Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get along. Karna airport jana aur hamari cab ho gayi. Puncture ho gayi, puncture ho gayi. And I'm stuck and abhi still hame airport pahunchna padega. So bada mushkil time hai, but wait kar raha hu jaldi jaldi ho jaye to fir niklu. Welcome back to the channel. Aur aaj hai 34th September aur I'm traveling to Bangalore. So morning थोड़ा काफ़ी मुश्किल था बिकॉज आई स्टक समवेयर आई मेरी टायर कार की टायर पंचर हो गई फिर मैंने उसको सेटल डाउन किया फटाफट मैंने कैब छोड़ा दूसरी कैब ली फिर मैं यहाँ पे आके फटाफट से सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद अब आके मैं लाइक फाइनली बैठ गया हूँ और शांति से बैठ सकता हूँ कि चलो मेरा सारा काम कम्प्लीट हो गया और एक चीज़ मुश्किल ये हो गई कि मुझे पीपी किट करना पड़ेगा क्योंकि आई एम सिटिंग इन द मिडिल सो मैंने बोला है क्रू को कैन यू प्लीज फिगर आउट समथिंग फॉर मी बट फ्लाइट भी फुल है सो चांसेस बहुत कम है बट लेट्स सी क्या होता है उस दिन मैं वीडियो को शूट नहीं कर पाया तो मैं वीडियो को आज कंटिन्यू कर रहा हूँ सो जर्नी वॉज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी स्टार्टिंग में बट आफ्टर दैट सबको सेटल डाउन हो गया और मैं बैंगलोर ठीक ठाक आ गया और अभी मैं बैंगलोर आके 7 days क्वारंटाइन पे हूँ सो मैं अपने रूम पे ही हूँ तो मैं सोचा कि जो मेरी जर्नी की एक्सपीरियंस थी और अभी एविएशन और एयरलाइंस कैसे वर्क करी इस पैंडमिक में तो मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना मेरे चैनल को जब आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हो तो अभी सिक्योरिटी चेक जो होती थी जो CISF के सोल्जर्स जो आपका आइडेंटिटी देखते थे और आपकी टिकट्स देखते थे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस वाइज हो गई है थोड़ा टाइम लग रहा है उन सब चीज़ों को करने में तो मैं बोलूँगा अगर आपकी फ्लाइट अब आपको पकड़नी है तो आप थोड़ा जल्दी ही घर से निकलो क्योंकि इस टाइम में ये ज़्यादा बेटर है ठीक है फर्स्ट जब आप एंटर करते हो एयरपोर्ट के अंदर आप चेक इन के लिए जाते हो तो आपका बैगेज हो गया आप जो सबमिट करते हो तो अभी एयरलाइंस की नॉर्म्स है कि यू कैन कैरी 20 kgs बट वो 20 kg बस एक ही बैग होना चाहिए अगर आपके पास समझो एक बैकपैक है एक ट्रैकिंग वाली बैग और यू हैव अ ट्रॉली और आपके पास एक छोटा बैग है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हो आपके चार्जेस अपने गैजेट्स कैरी करते हो तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है क्योंकि उनको है कि आप एक कार्गो के लिए एक ही 20 kgs का बैग चाहे वो 10 kg हो 20 kg हो जो भी आप एक ही भेजोगे और एक ही बैग आप लेके कैबिन में जाओगे ठीक है तो ये चीज़ है अगर आपके पास 2-3 बैग हैं तो आपको कुछ तो मैनेज करना पड़े जैसे ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे जाने के टाइम में सब कुछ सेटल डाउन करना पड़ा वापस से मैं एयरपोर्ट पे अपने सारे सामान निकाला मैंने पैकिंग वगैरह वापस से की फिर मैंने उन्हें शो किया तब उन्होंने मुझे अलाउ किया फिर आती है हमारी सिक्योरिटी चेकिन की जो आप सेकेंड स्टेज होता है तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी आपकी चेकिंग होती है बहुत थॉरली हो रही है दे आर मतलब वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर थिंग्स कि हाँ बंदा जा रहा है तो लाइक ठीक से उसके पास सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग थोड़ी टाइट चल रही है और जो लास्ट चेकिंग हो रहा है तो अभी फ्लाइट्स वालों ने ये कर दिया है कि जो 3 रो की सीट है उसमें जो मिडिल में बैठने वाले बंदे हैं उनको पीपी किट पहनना पड़ेगा तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है दिक्कत नहीं कि उन्होंने अपनी तरफ से एक सेफ्टी ली है बट बीच वाले बंदों को पीपी किट पहनना पड़ेगा तो नॉर्मली आप ए और सी में बैठे हो तो आपको एक फेस शील्ड एक मास्क और हैंड सैनिटाइजर मिलेंगे बट इफ यू सिटिंग इन अ बी तो आपको पीपी किट के साथ फेस शील्ड मास्क सब कुछ मिलेगा तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं एयरपोर्ट के निकलने के बाद आप जैसे आप अपने एयरपोर्ट पे लैंड करोगे आपकी वापस से स्क्रीनिंग होगी वापस से आप स्क्रीनिंग होगी अगर आपको सब कुछ नॉर्मल है तो आपको आप एयरपोर्ट से वापस आराम से निकल सकते हो अपना कैब लेके अपने घर जा सकते हो तो ये सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं तो मेरा सजेशन यही है कि अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग इन दिस पैंडमिक तो प्लीज़ गो अर्ली टू द एयरपोर्ट बिकॉज ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें होंगी हैं नए नए रूल्स आ गए एयरपोर्ट पे आपको ऐसे ऐसे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे तो उन चीज़ों को मैं शायद थोड़ा टाइम लग जाता तो इसलिए ऐसा ना हो कि आपको सब कुछ लास्ट मोमेंट करना पड़े उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ जाए आपको तो वो चीज़ें ना होनी चाहिए तो प्लीज़ सबको सेटल डाउन करके रखो और
रही बात वीडियो की, तो यार मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, मेरे बहुत कुछ पर्सनल रीजंस थे, बहुत कुछ इशू थे, मैटर्स थे मेरे, ऊपर से हम वर्किंग राइट नाउ तो थोड़ा उसका भी प्रेशर था, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मैंने अब सेटल डाउन कर दिया है। और आई बिलीव कि आगे वाले टाइमों में मैं आपके लिए एक वैल्यूएबल वीडियोज़ बनाऊँगा, और मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मेरे जो कॉन्टेंट होंगे वो व्लॉग्स होंगे, जो अपडेटेड टॉपिक्स हैं उस पर होंगे, और जो भी एविएशन से कुछ आता है तो आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू गाइज। और अभी एविएशन की हालत तो बहुत ज़्यादा थोड़ी ख़राब है, बट आई बिलीव आफ्टर सम टाइम इट विल बी बूम अप। और वैसे एज यू नो गाइज कि हमारी जीडीपी माइनस में चल रही है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते, रिसेशन पीरियड ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो चीज़ें बहुत ही ख़राब हो गई हैं और होने वाली है। तो प्लीज़ बी सेफ, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, टेक केयर करो, अपनी फैमिली के साथ रहो, स्टे एट योर होम। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो को पूरी यहाँ तक अभी तक देख लिए तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और प्लीज़ मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और जो प्यार आप देते थे वैसे देते रहो। थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू।